नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकल डिजिटल जोन पे। तो सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए साल का नया प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। वो नया प्रोजेक्ट आपके डेली लाइफ में जो है बहुत महत्व रखता है। वो प्रोजेक्ट क्या है, देखिए मैं अपने घर में खड़ा हुआ हूँ और ये देखिए आप सकते हैं, ये ऊपर जाने का जीना है। तो आज का प्रोजेक्ट है स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस यानी कि जीने के केस के लिए कैसी वायरिंग करते हैं घरों में, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जीने में एक बल्ब लगा है। स्टेयर केस की वायरिंग यानी कि हमको आवश्यकता क्या प्राप्त हुई, क्यों आवश्यकता क्या पड़ी हमको कि हमको ये वायरिंग मान ली। जैसे मान लीजिए मेरा बल्ब लगा हुआ और यहाँ पर मैं स्विच लगा के बंद कर दिया। अब मान लीजिए कोई ऊपर है, उसको नीचे आना है, तो वो कैसे नीचे अंधेरे में आएगा। उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेयर केस वायरिंग का करते हैं। इसमें हम लोग टू वे स्विच का यूज़ करते हैं। जो बल्ब जो है इसका टू वे स्विच ऊपर भी लगा है, और वो ऊपर से आना भी हो जाएगा, नीचे से आना हो जाएगा। एक ही सिंगल बल्ब अगर हम ऊपर जाएंगे उसको ऊपर ऑफ कर देंगे। तो कैसा लगा आपको ये सर्किट, और इस सर्किट का कनेक्शन करना आपको बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो में, इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को जो बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, वो हम लोगों को चाहिए दो टू वे स्विच और होल्डर। स्विच को लगाने के लिए हमने दो बोर्ड ले लिए हैं अलग अलग, और होल्डर। अभी जो आपने वीडियो देखी उसी को हम लोग बनाने जा रहे हैं, सर्किट कैसे बनेगा। और एक आपको बल्ब जला के दिखाते हैं। और हम लोगों को वायर चाहिए, ये वायर चाहिए, कलर वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने इसका सर्किट डायग्राम। जैसा कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा, हम लोग क्या करेंगे, अपने जो स्विच बोर्ड लिए हैं इसमें स्विच को फिट कर लेंगे। ये हमारी टू वे स्विच होती हैं। टू वे स्विच में देखिए आपको तीन पोर्ट मिलते हैं पीछे कनेक्शन करने के लिए। और इसको देखिए हम इसमें फिट कर लेते हैं। टू वे स्विच की कोई पोलरिटी नहीं होती, जहाँ वैसे लगाएं जहाँ ऐसे लगाएं, दोनों तरफ से बराबर होती हैं। और इसको वायर लेंगे, और जैसा कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा वैसे वायर को जोड़ेंगे। वायर क्या रहेगा, स्विच के जो दोनों बाहर के टर्मिनल हैं वो दोनों टर्मिनल को वायर से जोड़ देंगे। दो वायर लेंगे, जो दो वायर ये लास्ट में, इस लास्ट में, और ये दोनों दोनों एंड जो हैं इधर के एंड इस स्विच के लास्ट में जुड़ेंगे। ऐसे ऊपर जीने में वायर होता है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, इस बोर्ड से तार डालते हैं अंदर। देखिए हमने एक अपना वायर लिया इस स्विच के लास्ट टर्मिनल पर जोड़ा, और इस स्विच के लास्ट टर्मिनल पे जोड़ा। इसको कस देंगे, तो ये स्विच बोर्ड हमारा रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे। और ये जो स्विच बोर्ड है, दूसरा वाला स्विच बोर्ड, ये हमारा रहेगा ऊपर अप फ्लोर पे। तो अप फ्लोर वाले बोर्ड पे बना लेते हैं। इसको डाला, ये दो तार भी आपको स्विच के लास्ट एंड पे जोड़ देने हैं। इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, कोई भी किसी में भी जोड़ दीजिए, दोनों एंड डालें, बीच वाला दोनों स्विच का खाली रहेगा। खाली
तो आपने देखा अब दोनों स्विच के बीच है टर्मिनल खाली हैं। अब हम लोग लेंगे अपना होल्डर, होल्डर का इस होल्डर का इसको खोल लेंगे, रियो का होल्डर मैंने लिया। इस होल्डर का क्या करेंगे हम लोग, एक जो टर्मिनल है इसको हम लोग फेस में कन्वर्ट कर दें, मतलब इस एक टर्मिनल को न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट, और एक टर्मिनल को जो ऊपर वाले स्विच में बीच में कनेक्ट कर देंगे या जाए नीचे वाले से, किसी से भी कर देंगे, जैसा कि सर्किट डायग्राम में। तो क्योंकि अक्सर वो होल्डर ऊपर लगा होता है बीच में, तो हम लोग ऊपर वाले से कन्वर्ट लगा देते हैं। तो हम लोग वायर ले लेते हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला वायर है, इसको डालेंगे ऊपर वाले स्विच में। मैं डाला और ऊपर वाली स्विच में जो बीच वाला टर्मिनल खाली था, हमने उसमें अपने एक तार जोड़ेंगे, जैसा सर्किट में आपने देखा। बस हमारा जो बोर्ड है इसको पैक कर देंगे हम लोग। तो देखिए हमारी ऊपर वाली स्विच कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर वाली स्विच में हमने क्या किया, जो साइड के दोनों थे वो नीचे वाली स्विच में हमारे आ चुके हैं। ऊपर वाली स्विच से दोनों टर्मिनल नीचे वाली स्विच में आ चुके हैं, और जो बीच वाला टर्मिनल था ये हमारा जाएगा कहाँ, हमारे होल्डर में, होल्डर में। तो होल्डर में कैसे जाएगा, चलिए उसको होल्डर में कनेक्ट कर देते हैं। ये जो ये देखिए, ये इसके बीच वाला टर्मिनल है, इस ऊपर वाली स्विच का बीच वाला टर्मिनल, जो कि हम लोग होल्डर में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा होल्डर हो गया, पूरा वायरिंग सेट है। देखिए ये हमारा होल्डर में चला गया। देखिए ऊपर वाली स्विच का बीच वाला टर्मिनल होल्डर में आ गया, और दोनों साइड वाले नीचे वाले दोनों साइड के स्विच में चले गए। अब क्या करेंगे, होल्डर का बच्चा वाला न्यूट्रल में चला जाएगा और स्विच का बच्चा वाला जो है फेज में चला जाएगा। ओके चलिए करते हैं। तो ये जो बचा हुआ वाला जो होल्डर वाला है, ये आपका जाएगा किसमें, न्यूट्रल में, जो आपका मेन सप्लाई होगा बाहर। देखिए देखिए हमारा होल्डर कंप्लीट हो चुका है। होल्डर को अपने फिट कर देते हैं बॉक्स में। होल्डर का कैप लगा देते हैं, ये देखिए। अब ये आपका जो होल्डर का, अब नीचे वाली स्विच का बीच वाला टर्मिनल जो बचा है, नीचे वाली स्विच का बीच वाला टर्मिनल, ये आपका आ जाएगा। नीचे वाली स्विच का बीच वाला टर्मिनल हम लोगों को क्या कर देंगे, फेस में छोड़ देंगे। तो बीच वाले स्विच का फेस में टर्मिनल निकाल देते हैं, ये देखिए।
देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कैप लगा देते हैं ऊपर वाले, इसका भी कैप लगा देते हैं और अपने होल्डर में बल्ब लगाते हैं। और देखिए जो बल्ब से आया है ये वायर, ये इसको न्यूट्रल में, और जो ये हमारा जो नीचे वाली स्विच का जो बी चला है ये हमारा फेज में जाएगा। तो चलिए उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमने अपने सर्किट को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसा कि देख सकते हैं ये हमारी ऊपर वाली स्विच हो गई, ये निचली स्विच हो गई। सिंपल सा सर्किट था, हमने सर्किट डायग्राम आपने देखा, साइड स्विच के जो बाहर वाले दोनों टर्मिनल थे ऊपर और नीचे वाले बीच चला छोड़ के, और इसके ऊपर नीचे वाले इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए दो वायर गए, केवल ऊपर से नीचे आपको दो वायर जाएंगे। और जो आपका बल्ब होल्डर था इसका एक तार आपने ऊपर स्विच के बीच में कनेक्ट कर दिया और एक तार आपका न्यूट्रल में चला गया। दूसरा आपका नीचे वाली जो बीच वाली स्विच बची, मतलब बीच वाला टर्मिनल बचा, वो आपका फेज में चला गया। सर्किट डायग्राम आप देख चुके हैं, चलिए आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। जैसे आप नीचे हैं, आपने नीचे से बल्ब ऑन किया, ऑन करने के बाद आप जब ऊपर गए तो आपने ऊपर से ऑफ कर दिया, तो आप ऊपर से भी ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, नीचे से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सर्किट? अगर आपको हमारा सर्किट अच्छा लगा और वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अपने घर में भी स्टेयरकेस वायरिंग बनाइए जिससे आपके घर में जीने में कभी भी अंधेरा ना हो। तो एक बार फिर से थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।